हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27th ऑफ दिसंबर और अभी बज रहे शाम के 5 बजे। फिलहाल मैं हूँ करोलबाग टायर मार्केट में, एंड आज टायर के बारे में पता करना है कि आपके डिसीजन के लिए कौन सा टायर सही रहेगा एंड प्राइस वाइज कौन सा बेटर होगा। सबसे बेस्ट प्राइस को लेके फिर वापस कल हम इसी मार्केट में आएंगे अपने टायर्स को लगाने के लिए। वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। इसमें कहीं अरने का आपका गारंटी है ना? उतार देंगे यार अगर लगे तो, और बोलो दूसरा लगा देंगे टायर, फिर नहीं हटेगा, पक्की बात नहीं हटेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल अलॉय ले रहे हो। अगर आप दूसरा लोगे ना, जैसा लोग बोल रहे हैं ऑफ रोडिंग में आपका ये साइड के वॉल में लगता है, यहाँ तब अड़ेगा जब आप अलॉय दूसरा लोगे, चौड़े वाला लोगे, पर आपका कंपनी का रिम चौड़ा नहीं होता ना, इसलिए नहीं अड़ेगा। अच्छा ठीक है, और आपको देना 9000। कुछ और काम कर रहा है सच्ची, बहुत रीजनेबल काम कर रहा है, जहाँ मर्जी सर 55। सो फिलहाल हमने अपना टायर और रेम पसंद कर लिया और यहीं से हम ले रहे कमल टायर्स। कल मिलते हैं आपको यहीं से। एंड फिलहाल भैया को कुछ एक एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, 2000 रुपये मैं उनको पे कर रहा हूँ। एंड 2000 रुपये पे होने के बाद बाकी बैलेंस जो है ना वो कल पे करेंगे। इनिशियली हमें 5000 रुपये का डील मिल गया था, बट 5000 में नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो 5000 वाले टायर है वो हमें एक हफ्ते बाद मिलेगा और वो मुझे चलेगा नहीं, मुझे तो कल ही चाहिए। सो कुछ एक्स्ट्रा लगा है, वीडियो में बने रहिए कितना हमने पे किया, क्या नहीं किया, वो सब जानने के लिए, क्योंकि ये वीडियो हम वापस कल कंटिन्यू करके शूट करने वाले हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल मार्केट बंद होने का टाइम है। तो अभी हरबरी में नहीं करेंगे, कल सुबह आएंगे 11 बजे और फिर अच्छे से फिक्स करेंगे। पास तो यही दोनों चीज़ लिया हूँ, बाकी रिम और टायर अपग्रेडेशन के लिए हमने पैसे दे दिए और कल आएंगे 11 बजे फिर इसको फिट करेंगे। मेरे 17 इंच के आपके अलॉय दे के और ब्रिजस्टोन का आपका 245/65 R17 टायर दे के मुझे मिल रहा है आपका 80 टायर C8 का 255/65 R18 और 18 इंच के रिम महिंद्रा के। तो फिलहाल अपना टायर हो गया बुक, टायर और रिम दोनों, एंड मेरे जो टायर थे वो ब्रिजस्टोन के टायर थे। जैसे मैंने बताया पहले एक दुकान गया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 20000 रुपये लगेंगे इसको देके, 20000 रुपये लगेंगे। दूसरा दुकान में गया, बोला इसको दे के खाली 5000 रुपये देने हैं, तो उसको डन कर दिया, दैट्स इट। सो इसी तरह मेरा जो स्कॉर्पियो NZ8L है वो टॉप मॉडल के रिम आ गए इसमें, R18 महिंद्रा के जेन्युइन रिम और साथ में 255/65/18 का टायर, ऑल टेरेन टायर, कल लग जाएंगे और उम्मीद है कि हाइट भी बढ़ेगा कुछ, देखते हैं कैसा हाइट बढ़ेगा, क्या हाइट बढ़ेगा। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से करोलबाग के मार्केट से। आज भी मेरा वही स्ट्रेटेजी काम आया, जहाँ पे भीड़ कम है ना वहाँ जाओ, जहाँ पे भीड़ है वहाँ कभी मत जाओ क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लोटेड है। एंड अक्सर बैक बेंचर है ना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, समझ रहे हो, रियल लाइफ में बराकू लड़के से बैक बेंचर्स ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। तो सिमिलरली जो दुकान ऑलरेडी फेमस है, जो एस्टेब्लिशमेंट, जो शॉप्स ऑलरेडी फेमस है, वो तो आपको मतलब समझ रहे हो ना, उनके पास कस्टमर भरे पर है, तुम नहीं लोगे तो और 10 है उनके पास है, तो वो रेट ना कम करेंगे, वो तो अपने रेट में ही मस्त मगन रहेंगे। लेकिन जो फेमस नहीं है, जो छोटे दुकानदार है, वो कस्टमर बनाने के लिए आपको डेफिनेटली कोशिश करता है कि आपको बेटर प्राइस दे। सो इसी के साथ हम निकले वापस हमारे घर के तरफ। बहुत बढ़िया लगा, मन में सुकून आ गया, मज़े आ गए। अब देखते हैं कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा, टायर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है क्या नहीं रहता है, लेट्स सी, बाय। सो हेलो गाइस, आज है नेक्स्ट डे 28th ऑफ दिसंबर और फिलहाल हम करोलबाग जा रहे हैं। अभी बज रहे सुबह के 10:30, 11:30 तक हमें वहाँ पहुँचना है।
एंड आज जो हम टायर अपग्रेड करने वाले हैं उसका साइज़ है 255/65 R18। पुराना स्टॉक साइज जो हम चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज में दे रहे हैं उनको, वो है 245/65 R17। टायर्स भी दे रहे हैं, रिम्स भी दे रहे हैं, और हम वापस उनसे नए टायर 80 टायर्स और 18 इंच के महिंद्रा के रिम ले रहे हैं। ये टायर हमें 5,000 का मिला है, बट सैडली क्योंकि हमें टाइम का प्रॉब्लम है तो हमें दूसरा वाला जो 5,000 वाला क्लाइंट है थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि उनके भी महिंद्रा के कार है तो उन्होंने चेंज किया है, उनको बड़े टायर और लेने हैं, तो टाइम के वजह से हम उनसे ले नहीं पाएंगे। फिलहाल हम उनसे दूसरा कस्टमर वो हमें दे रहे हैं, मतलब दूसरा कहीं और से अरेंज कर रहे हैं, वो हमें 4,000 महंगा पड़ रहा है, 9,000 रुपये, बट दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 9,000 का भी है तो बहुत बढ़िया वैल्यू मिला है। सो टायर लगने के बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा क्या क्या होता है, टायर लगाने का प्रोसेस भी दिखाते हैं, कहाँ करेंगे, कवल टायर्स में करेंगे, और ये वीडियो में आगे आपको पता चली जाएगा। सो दैट्स इट, चलिए अभी निकलते हैं करोल बाग के लिए। करोल बाग पहुँच के फटाफट लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि प्रोज एंड कंस टायर्स लगाने के बाद क्या हमें इशू फेस करने को मिलेगा, क्या सब कुछ बढ़िया रहेगा या कुछ हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सारा कुछ पता चलेगा टायर लगने के बाद। टायर्स अपग्रेडेशन से पहले ये जो गाड़ी का हाइट है वो ग्राउंड क्लियरेंस है आपका 187 mm, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ के 210, 220, 240 भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या कुछ हमें अचीव कर सकते हैं हम टायर अपग्रेडेशन के बाद, हमें क्या कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं होता है, सभी कुछ जानेंगे आप ही लोगों के साथ इसी गाड़ी में अपग्रेडेशन करके। सो लेट्स स्टार्ट विद द अपग्रेडेशन जर्नी। फिटिंग होने के बाद कितना ग्राउंड क्लियरेंस कितना ऊपर आता है वो सब भी देखने हैं, एंड देख रहा हूँ इसके साथ साथ मैं अगर बफर ऑफर लगा दूँ ना, जो स्प्रिंग में बफर लगता है तो बफर लगा कर भी ट्राई कर लेंगे, पर फिलहाल तो यही है कि लेट्स मीट यू डायरेक्टली ऑन करोल बाग, है ना। सो पहले मैंने आपको जो एम्बियंस लाइटिंग है K4 वाली, वो सबसे सस्ता रेट में दिलवाया है 60,000 रुपये का, ठीक है। अभी मैं टायर्स में मेरे ख्याल से मेरे सबसे सस्ता परचेज होगा, फिर भी मैं कुछ बार्गेन कर रहा हूँ, और ये सब यूट्यूबर के हैसियत से नहीं, आपको सबको पता है कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो मैं ये सारा नया चैनल में ही शुरू कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं कि मतलब चैनल के वजह से मुझे कोई सस्ता मिला है, ये उनका पहला फर्स्ट इंस्टेंस में रेट ही आया था। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपको सीरा करोल बाग से, बाय। सो काफ़ी अच्छा दिन है आज, मतलब बहुत ठंड था आज, तो बिल्कुल धूप ही धूप है, और सर्दी वाले धूप तो मजा ही है, मज़ेदार होते ही है। ये सामने रहा हनुमान जी का टेंपल, इसको नज़र आते ही आप समझ लेना कि करोल बाग आपके आसपास में है। दिल्ली वालों को तो पता ही है, मैं बाहर वाले के बोले बोल रहा हूँ, जैसे ही ये आपका हनुमान जी का पूज और सर दिख जाए, दैट मीन्स यू आर इन करोल बाग, ठीक है। सो बस 6 मिनट, उसके बाद हम होंगे हमारे टायर के शॉप में, और वहाँ मिलवाते आपको उस भले इंसान का जिन्होंने मुझे टायर मात्र 5,000 में दे दिया, टायर और अलॉय रिम के साथ, महिंद्रा के जेन्युइन रिम के साथ 18 इंच के, जो मुझे शोरूम वाले बोले थे 72,000 रुपये। हाँ ये है कि उन्होंने मेरा टायर भी लिया है पुराना, जो अभी लगा हुआ है गाड़ी में, जिससे हमने 2,000 किलो चलाई है वो लिया है, और प्लस मेरा 17 इंच का रिम भी लिया है, सॉरी अलॉय लिया है, तो वो दोनों लेके वो मुझे दे रहे हैं। बट फिर भी 5,000 इज़ अ वेरी स्टील डील, जबकि लोगों को मिल ही नहीं रहा है, और दूसरा एलॉय आफ्टर मार्केट एलॉय लगाओगे तो आपको फिर वारंटी आउट हो जाएंगे, तो मेरे दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए, ऑल टेरेन टायर भी लग गए, गाड़ी का हाइट भी थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ हो ही गई, देखते कितना इंक्रीज होता है, और बाकी 18 इंच के रिम भी हो गए, कंपनी के वारंटी भी वॉइड नहीं हुए हैं, और बंदे को चाहिए क्या ज़िंदगी में। अब बस ऐसा ना हो कि साइड के वॉल में नहीं आना चाहिए, ये और एक बात है कि साइड के वॉल में ना अरे गाड़ी तो सही है।
गाड़ी चलाने के ढंग नहीं है, बताया क्या? अरे सामने वाले को साइड दो, आने को जगह दो, गाड़ी निकल जाते मुझसे। तो फिलहाल बज रहे 11:20 और हमने बिल्कुल टाइम में अपना गाड़ी लगा दिया कवल टायर्स में, जो कि करोल बाग में है। अभी इनका इंतजार हो रहा है, आके दुकान खोलेंगे, फिर पूजा वूजा करेंगे, फिर हमारे गाड़ी में टायर चराएंगे और अलॉय चलाएंगे, इनके दुकान खोलेंगे, चढ़ाएंगे। ये हो गया एंट्री। सो उन्हीं का इंतजार हो रहा है, पता नहीं कब आए। देखते है 12 बजे, 11:30 तक तो आना चाहिए, क्योंकि भैया ने बोला कि 11:30 आएंगे, फिर भी उनको एक बार कॉल करके बता देता हूँ। तो अभी देखते देखते इनका टायर का शॉप खुल गया, सामने हमारे कवल टायर्स, और यहीं से हम अपने आज 18 इंच के अलॉय और टायर्स 80 वाले टायर्स डालने वाले हैं। सो अभी तुरंत जाते हैं और उनको गाड़ी का चाबी वगैरह हैंडओवर करते हैं, तब तक मैं गफार से कुछ और भी सामान लेना वो ले लेता हूँ। ये रहा हमारा एलॉय 18 इंच के महिंद्रा के, बिल्कुल पन्नी पैक चमकता हुआ, इन्हीं को चराया जाएगा हमारे गाड़ी पे, शान बराएंगे हमारे गाड़ी। अभी देख रहे हो पूरी मार्केट बंद है, तो मेरे काम करने का तरीका यही है कि जितना भी सहूलियत से काम हो सके ना उतना करो, फिर रस में आओगे फायदा नहीं है। मैं कल शाम को आया, मजे से अपना सारा दुकान में रेट लेके चला गया, भले कि दो चक्कर हुआ है, बट अपना टाइम से आया हूँ, मेरा काम फटाफट हो जाएगा। सुबह का कोई आदमी है नहीं, काम करने वाला कुछ नहीं है, मजे से ये लोग भी टेंशन फ्री होके एक ही गाड़ी में सारे बंडे लग के काम कर सकते हैं। अभी तो बस मार्केट खोल रहे हैं धीरे धीरे। सो यही होगा हमारा नया टायर्स, तो आज से हमारे गाड़ी का शोभा बढ़ाएंगे और हमें रास्ते में साथ देंगे, बर्फ़ों में ले जाएंगे, पहाड़ों में ले जाएंगे और हाईवे में भी चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑल टेरेन टायर्स। और ये है महिंद्रा के 18 इंच के रिम्स, जेन्युइन रिम है, दूसरे गाड़ी से उतारा हुआ रिम है ये। जैसे कि मैंने बताया हमें 5000 का भी रिम मिला था, बट वो बंदा बहुत दूर रहता था, तो ये वापस से उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट में फिर दूसरा रिम ढूंढा, तो दूसरा बंदा था जिनका गाड़ी आए थे इनके पास अपग्रेडेशन के लिए, तो इनका रिम उतार के हमें दिया है, हमारे लिए परचेज करके रख दिए और आप हम ये रिम लगा लेंगे। बट 4000 का महंगा पड़ा, चल कोई बात नहीं। सो अभी मैं अपना कॉमेंट्री बंद करने वाला हूँ और इनको काम करने देते हैं बिना कोई ब्लॉकिंग के, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप देखते रहिए किस तरीके से काम होता है, किस ढंग से होता है। मैं जो ब्रेक कैलिपर्स होता है उसको भी पेंट करने वाला हूँ, अभी सोच रहा हूँ रेड कर लूँ या येल्लो करूँ, बट रेड ही करने वाला हूँ 99%, तो रेड करेंगे। सो एक टायर जो है खुल गया, फिलहाल पहला टायर जो फिट हो गया, एंड ऐसे रफली वो लगा के देखेंगे स्टीयरिंग को काट के कि कहीं अड़ तो नहीं रहा टायर, सब कुछ होने, अगर ये कंफर्म हो जाता है फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी टायर्स भी फिट हो जाएंगे, एंड इसके बाद अभी हम कैलिपर पे ध्यान देंगे। सो मैं तो कलर कर रहा था रेड, बट ये वाइट क्यों लग रहा है? वाइट इसलिए लग रहा है, अगर आप डायरेक्ट रेड करोगे ना वो चमक नहीं आएंगे, बट अगर आप वाइट करके वाइट का डो कोटिंग लगाओगे फिर रेड का डो कोटिंग लगाओगे तो है ना वो जो कलर है ना वो ज़्यादा चमक आता है और ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग बढ़िया होते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर जब अगर ब्रेक कैलिपर्स को आप कलर करोगे तो खाली रेड नहीं करने का, जो भी कलर करते हो उससे ऊपर आप पहले वाइट डालो फिर उसके बाद कलर करो, कलर अच्छा ज़्यादा चलेगा। और जैसे इन्होंने साफ किया ना, इस तरह से पूरा साफ़ सुथरा करके फिर कलर करो, तो ज़्यादा मतलब काम चालू वाला मत काम करो, वन टाइम काम करो, बढ़िया काम करो। और ये भैया हमारे से
वैसे ले लिए, कुछ हमने उनको इनाम दे दिया, बट ये भी फ्री सर्विस मुफ्त का सेवा हो रहा है, इसके लिए कुछ अलग से चार्ज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सफ़ेदी होने के बाद वाइट कलर के ऊपर अभी रेड कलर का एक कोटिंग भरा है, उसके बाद दूसरा कोटिंग भरेंगे, फिर ज़रूरत पड़े तो और एक कोटिंग और देंगे, उससे क्या ना ब्राइटनेस बहुत सही देख रहे हो ना, इस तरीके से। तो ये जो कलर निकल के आया ना वो ज़्यादा बेटर है। और सबको पता है कि वाइट के ऊपर कलर चमकता है ज़्यादा। देखने में तो बिल्कुल मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे टायर्स और अलॉयज को डिसमेंटल किया जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। तो ये मेरा पुराने टायर्स है और पुराने रिम है, तो इनको अलग करके इनमें से जो आपका TPMS है ना, टायर प्रेशर सेंसर जो है, वो सेंसर निकालेंगे, निकाल करके फिट करेंगे। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि सेंसर जो टायर का जो हम प्रेशर देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा पैनल में आता है या डैशबोर्ड में आता है या STI सिस्टम में आता है, तो सेंसर होता कहाँ पर ये भी आपको दिखाने वाला है। तो ये अभी हमारे जो पुराने टायर है ना, इनमें कोई पंक्चर तो नहीं है, ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि पंक्चर टायर अगर वो एक्सचेंज में लेंगे तो उनके लिए नुकसान का सौदा हो गया ना। सो यहाँ पे जो है ना आपका टायर प्रेशर सेंसर रहता है, ये जो छोटा सा डिवाइस आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे होता है। और अभी इसको यहाँ से निकालेंगे, निकाल करके मेरे जो नया 18 इंच का रिम है वहाँ फिट होंगे, यही सेंसर होता है। अब जो है जो नया टायर है वो मेरे नए रिम में चढ़ने वाला है। पुराना टायर से सेंसर निकाल लिया, फिर सेंसर को वापस नया रिम में डाल दिया, फिट किया, उसके बाद अभी नया टायर को नया रिम पे चढ़ाया जा रहा है। सीएट का सीजर ऑल टेरेन टायर 255/65/18 और टायर का स्पीड रेटिंग है H111, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन H111 ही होना चाहिए। यही रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। अभी दोनों टायर्स और रिम सब लग गए, अभी एक टायर बचा हुआ है सामने का फ्रंट का, और यहाँ की साइज चल रही है। साइज चेंज होने के बाद आपका लुक कैसा आ रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अच्छे से यहाँ से निकल के एक सिनेमेटिक लेंगे अच्छे से बढ़िया से। दैट्स इट, आधा घंटे में चारों टायर फिट हो गया, कैलिपर पेंट हो गया, सब कुछ रेडी है। एंड अभी
फाइनल लुक जो है इस तरीके। यहाँ पे इतना भीड़ है तो क्या आपको लुक दिखाऊँ, फिर घर के पार्किंग में लगा के फिर आपको फोटोज़ वगैरह वीडियो डाल के लास्ट में डालेंगे। फिलहाल तो अंकल जी को बिल क्लियर करते हैं, और ये रहा कवल टायर का कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह, और ये रहा अंकल उनके पापा जी अमन भाई के पापा, अमन भाई के कॉन्टेक्ट डिटेल्स। बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, एंड मैं ये कोई बिजनेस पर्सन का नंबर है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि उन्होंने जो मैं हमें रेट्स दिया ना 5,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे मैंने और भी टायर्स दुकान में पूछे थे करोलबाग में ही, उनके बगल में ही पूछा था, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये बोले थे। बट अमन भैया बहुत ही जेन्युइन था, किसी को अगर करना है खाली महिंद्रा की नहीं कोई भी गाड़ी ये लोग करते हैं, इनके पास स्टॉक टायर्स भी होते हैं कंपनियों का, तो काइंडली इनसे कॉन्टेक्ट करिएगा। तो टायर्स लग गए एंड फिलहाल हम कुछ अराउंड 50-100 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और टेस्ट करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल रोड्स में कहीं टायर से कुछ इशू तो नहीं है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, कहीं टायर वेल में कुछ नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, ये सब चेक करके फिर देखते हैं। सो अभी तक तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, बिल्कुल लग रहा है कि स्टॉक टायर्स के ऊपर ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एंड टोटल जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया रहा, एंड एक स्पेशल शाउट आउट टू मिस्टर अमन फ्रॉम कवल टायर्स। अंकल और उनके बेटे ने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन डील लिया। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि 18 इंच का जो रिम है, कंपनी ने मुझे बोला था 80,000 रुपये, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे तो चेंज करना ही था। मैं कंपनी में भी, मतलब मैंने ऑलमोस्ट बिलिंग करा दिया था, बट मैंने उनसे लिया नहीं क्योंकि उनके पास अवेलेबल नहीं था, उन्होंने हफ्ते भर बाद बुलाया था। और यहाँ पे खाली एलॉय का उन्होंने मुझे 80,000 बताया था, यहाँ पे मुझे 80 टायर्स, नॉर्मल टायर्स को हटा के 80 टायर्स भी मिल रहे हैं, अपग्रेडेशन भी हो रहा है, गाड़ी का हाइट भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, सब कुछ मिला बस 5,000 रुपये खर्च करके, और डेट टू विथ वारंटी। उन्होंने ये भी बोला अमन भाई ने कि भाई कोई भी किसी प्रकार का वारंटी, कोई भी इशू होता है ना तुम्हारा, तो हमारे पास बेझिझक आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पुराने टायर्स और रिम वापस कर देंगे, बट हफ्ते भर के अंदर सारा चेक करके आ जाना, क्योंकि उसके बाद फिर उनको भी आगे बेचने होते हैं ना टायर्स और रिम्स वगैरह जो हमसे लिया है। बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन डील, और मैंने करोलबाग में ही मैंने करीब करीब सभी दुकानों में पूछा है, किसी ने 5 तो छोड़ो 10 तो छोड़ो, किसी ने 15 का भी डील नहीं दिया। सबसे लोवेस्ट डील मुझे अमन के बाद मिला 20,000 रुपये का, 20, 25, 35, 40 वैसा। सो आपको भी अगर महिंद्रा का कार नहीं, किसी भी कार का अगर स्टॉक टायर चेंज करना है या फिर दूसरा ऐसे इसी तरीके से अपग्रेडेशन करना है, एक बार अमन से संपर्क कर लीजिएगा ज़रूर, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया डील मिलेगा। और देखो मैं ये यूट्यूबर के हैसियत से बोल नहीं रही, क्योंकि मेरा तो चैनल ही नहीं है यार, 18 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, बहुत ही नया चैनल है। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर हो गए उन्होंने मुझे खास कुछ दिया है, क्योंकि मेरा चैनल ही नया है, तो उन्होंने मतलब जो मुझे डील मिला है आई बिलीव वो सभी को यही डील मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको ऐसा कोई फ़ोन करके नहीं आया, या उनको भी अपना पहचान भी नहीं बताया, या फिर कुछ भी नहीं बताया। सो उन्होंने आउटस्पोकन जेन्युइनली अपना डील रखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। सो आप भी ट्राई करिएगा कवल टायर्स को, स्पेशल शाउट आउट, अच्छे लोगों को हमें बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। सो इन्हीं में से करोलबाग में कवल टायर्स एक है, जहाँ पे मिस्टर अमन ओन करते हैं शॉप को, तो काइंडली विजिट कवल टायर्स। फिलहाल हम डाल रहे हैं नॉर्मल टायर फिल, नॉर्मल एयर फिल कर दिया था, और वैसे भी टायर प्रेशर चेक करके नहीं डाला था, तो उन्होंने मुझे कि पंप पे जाके चेंज कर लो, तो मैं हमेशा नाइट्रोजन ही डालता हूँ। अब मैंने पूरा टायर के हवा पूरा निकाल दिया, पूरा एम्प्टी करके, टॉप अप नहीं, पूरा फुल नाइट्रोजन डाला हूँ, सारा हवा निकाल के वापस से नया नाइट्रोजन डाल दें सभी टायर। सो दैट्स इट गाइस, फिलहाल हम आ गए अपने घर के पार्किंग में, और ये रहा नया एलॉय और टायर्स, 18 इंच के महिंद्रा के एलॉय, और 255/65 R18 80 एपोल C8 का सीजर टायर्स। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा। दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो को देखे हो, काइंडली प्लीज़ 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 शेयर द वीडियो। सबसे सस्ता डील है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का टायर्स और
अलॉय अपग्रेडेशन का। 5,000 रुपए में आपको ये डील मिल सकता है मिस्टर अमन से जो कि करोल बाग में है। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपके पास है। गाड़ी का बहुत ही मस्त लुक आ रहा है और मजा तो तब आएगा जब हम इसको ऑफ रोडिंग में लेके जाएंगे। बट सही है दोस्तों, प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। व्यूज काफी कम आ रहा है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, कंटेंट अच्छा होते रहेंगे, व्यूज बढ़ते रहेंगे। बट यार प्लीज दोस्तों, यार कंटेंट देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, एक सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है। और कोशिश भी कर रहे हैं पूरी कि आप लोगों को सबसे बेस्ट डील, दिल्ली NCR को होलसेल का हब माना जाता है, तो मैं इसी दिल्ली NCR से आपको बेस्ट डील दूँ। और मेरा कोशिश यही है कि मैं हर एक डील को ऐसा दूँ कि खाली दिल्ली NCR के पीपल ही एंजॉय ना करें, चाहे मेरे व्यूअर्स कहीं का भी हो, कहीं से भी हो, उनको ये डील उनके घर पे लोकेशन में, उनके सिटी में मिले, यही मेरा कोशिश है। फिलहाल तो प्लीज़ एंजॉय द सिनेमेटिक्स प्लस, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।